एक चीज आपने गौर किया हो या फिर ना गौर किया हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि होटल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 100% क्लियर है कि चलेगा ही चलेगा। क्योंकि बाहर हम चाहे ऑफिशियल काम से जाएं, टूर हो, ट्रैवल हो, एग्जाम हो, बिजनेस मीटिंग हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर कोई शादी पार्टी इवेंट अटेंड करना हो, हर जगह जाने के बाद हम होटल जरूर बुक करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हमारी पर्सनल नीड है, हमारी ज़रूरत है, और जहाँ पर नीड यानी कि मांग होती है वहीं पर मार्केट होता है। तो कैसे आप इस मार्केट में हाथ डालकर पैसा निकाल सकते हैं, आइए बताते हैं। और सबसे गजब की चीज़, स्पेशली हमारे जो व्यूअर हैं यानी कि आप, यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप बिना किसी फ्रेंचाइजी फीस के ही अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी खुद की बिल्डिंग है तो आपने उसे किसी दुकान, स्टोर या फिर रहने के लिए रेंट में दिया होगा, जिससे कि आपको महीने के बहुत सारी दिक्कत, हालांकि बिना किसी दिक्कत के इनकम होते ही नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि रेंट से जितनी इनकम होती है उससे आपके बिल्डिंग के रिपेयरिंग का कॉस्ट निकल जाए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने खुद भी दिया है। और उनका क्या होगा जिनके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यदि आपके पास बिल्डिंग है या फिर नहीं है, दोनों के लिए हम बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान लेकर आए हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में रेंटल बिल्डिंग को लेकर भी अपना होटल ओपन कर सकते हैं। आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि आज के टाइम पर होटल सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, हर एक एक छोटे शहर में ओपन हो रहे हैं, और इनके ऑनर महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि होटल बिजनेस 12 महीने चलता है, ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। और जब शादी पार्टी का टाइम आता है तो वहां पर बिजनेस काफी बूम कर जाता है। होटल सिर्फ टूरिस्ट के लिए रुकने या फिर रेस्ट करने का प्लेस नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट। हर एक शादी पार्टी, कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर बिजनेस मीटिंग करना है तो होटल ही बुक करते हैं। अब बात आती है कि सर, होटल मैनेजमेंट करने का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? देखा जाए तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे, जब तक आप होटल बिजनेस के बारे में जानेंगे नहीं, ठोकर नहीं लगेगी, गिरेंगे नहीं, फिर से उठेंगे नहीं और उठकर चलेंगे नहीं। जब ये सभी प्रोसेस हो जाएगा तब आपके पास एकदम प्रॉपर एक्सपीरियंस आ जाएगा, उस टाइम पे आप बोलेंगे कि यस, आई कैन मैनेज अ होटल बिजनेस। लेकिन आपको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोयो ग्रुप आपकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। आपका होटल ओपन कराने से लेकर उसमें प्रॉपर ग्रोथ कराने तक हर एक एक स्टेप में कोयो ग्रुप आपके साथ खड़ा रहता है। कोयो होटल के फाउंडर सादिक राणा जी हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, सांबली में इनके 40 से अधिक फ्रेंचाइजी पहले से ही चल रहे हैं, और बहुत जगह काम स्टार्ट है, वहाँ पर भी होटल ओपन होने वाले हैं। जिन लोगों का होटल बिजनेस पहले से ही चल रहा है या फिर जो नए लोग होटल बिजनेस में आना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप होटल स्टार्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने होते हैं, और साथ ही में लाइसेंस लेना होता है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक बार आप इस ब्रांच से उस ब्रांच, इस ऑफिस से उस ऑफिस भटकते ही रह जाएंगे। वहीं पर कोयो ग्रुप आपके होटल के लिए सभी डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करवा के देगा, जो कि जिलाधिकारी और तहसीलदार के द्वारा दिया जाता है, और उनके द्वारा अप्रूव करने के बाद ही आप एक प्रॉपर होटल ओपन कर सकते हैं। होटल में आप मैरिड कपल, अनमैरिड कपल दोनों ही अलाउ कर सकते हैं, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो सराई एक्ट, तहसीलदार के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन्हें आप दिखा देंगे, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट कराने में कोयो ग्रुप आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। होटल खोलने के बाद अब बात आती है कि सर, कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो देखिए, आज के डेट में हर एक एक चीज़ डिजिटल होता जा रहा है। हमें चाहे शॉपिंग करना हो, रेंट पे करना हो, फ्लाइट बुक करना हो या फिर पेमेंट करना हो, हम हर चीज़ ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो कोयो ग्रुप का अपना ऐप है, उनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू कस्टमर होटल बुक कर पाएंगे, और कंपनी के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, जिससे कि आपके पास अधिक से अधिक कस्टमर आ पाएँ। कस्टमर आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं है उन्हें अटेंड कैसे करना होता है, किस तरीके से उन्हें सर्विस देनी है ताकि वो कस्टमर दोबारा भी आए। तो आपके होटल बिजनेस को स्मूथली रन करने और क्लाइंट को अटेंड करने के लिए कोयो ग्रुप शुरुआती एक महीने के लिए अपने स्टाफ भेजते हैं, वो हर चीज़ आपका मैनेज करेंगे, और इनके लिए आपको कोई पेमेंट या फिर सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, कोयो ग्रुप ही पे करता है। अब आप अपने होटल में सिर्फ रुकने की व्यवस्था देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या फिर आप फूड सर्विस के लिए रेस्टोरेंट भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं, किसी फंक्शन, मीटिंग या फिर प्रोग्राम के लिए पार्टी हॉल देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने होटल में कस्टमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यदि आपका होटल बिजनेस पहले से ही चल रहा है या फिर आप नए हैं और होटल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों तरीके से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यदि आपका होटल ओपन है, उसमें पहले कस्टमर आते थे लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और ये ऑनलाइन ही कस्टमर पकड़कर किसी और होटल में भेज रही हैं, यहाँ पर आप पीछे हट रहे हैं, आपके पास प्रॉपर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको डिजिटल सिस्टम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप कोयो ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल में तो वर्क करते ही हैं, और साथ ही में
डिजिटल दुनिया में आपके होटल की मार्केटिंग करेंगे, जिससे कि आपके पास अधिक से अधिक कस्टमर आएं। तो जुड़ने के लिए आप इनके वेबसाइट या फिर ऐप में आपके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, वो अपलोड करिए। उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट का रिव्यू करेंगे और साथ ही में ये चेक करेंगे कि सच में आपका होटल उस जगह में है या नहीं है, और उसके 2 से 3 दिन के बाद अप्रूव करके आपको सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे। सबसे अच्छी चीज़, यदि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है या फिर आप रेंट में लेकर होटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि बिल्डिंग रोड के साइड में होना चाहिए, मिनिमम 5 रूम होने चाहिए, और एक छोटा सा पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कस्टमर अपनी कार या फिर बाइक को आसानी से खड़े कर पाएं और उनका एक्सपीरियंस बेहतर रहे, ताकि वो दोबारा भी आएं। यदि ये सभी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप भी अपने बिल्डिंग या फिर रेंटल प्रॉपर्टी को होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, यदि आपके पास बिल्डिंग है और आप बोलते हैं कि सर हमारे पास मैनेज करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, हम कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, आप हमारे बिल्डिंग का यूज़ कर लीजिए और इसमें अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। यदि आप ऐसा पार्टनर बिजनेस करना चाहें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके रेंटल इनकम जो आपने रेंट में दिया होगा, उससे 3 से 4 गुना होगा, तो ऐसा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप लेवल में होटल चलाने के लिए आपको बहुत एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आप सिर्फ 1 या 2 एम्प्लॉय रख सकते हैं, 1 मैनेजर और 1 सफाई कर्मचारी। धीरे धीरे जब कंज्यूमर बेस बढ़ने लगे, तो आप और भी लोगों को हायर कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआती 2 लोगों को रखकर ही आप अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोयो ग्रुप की तरफ से आपको पूरा सिस्टम, सपोर्ट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग मिल रही है, आपको सिर्फ मैनेज करना है बस। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी आपको एक टैब भी देती है, जिससे कि आप अपने होटल में कितने कस्टमर आकर रुके हैं, उनका पूरा डाटा ऐप में फीड कर पाएं। यदि आप फीड नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपका रूम पहले से ही बुक हो और उसमें एक्स्ट्रा कस्टमर आ जाए। कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर भी आपको कंपनी ही लाकर दे रही है। जो कस्टमर ऐप या वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करके आएंगे, उसमें आपको 25% का कमीशन देना होता है, और जो कस्टमर डायरेक्टली आपके होटल में विजिट करेंगे, उसके लिए आपको 1 रुपये का चार्ज नहीं देना है। यदि बात करें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सॉफ्टवेयर फीस की, तो मंथली आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस देना होता है, जिसमें कि कोयो ग्रुप बैकएंड में आपका हर चीज़ मैनेज करती है। तो मेरे मोटा भाई और मोटा बहन, यदि आपके पास कोई बिल्डिंग है या फिर आप रेंट में लेकर ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि होटल बिजनेस आज के डेट में बहुत चल रहा है। कोई भी इवेंट हो, कोई भी शादी पार्टी हो, बिजनेस कोलैबोरेशन हो, या फिर घर में अधिक गेस्ट आ गए हैं, तो वो होटल में ही रुकना प्रेफर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक 5-स्टार 3-स्टार होटल चलाएं, क्योंकि इन होटल का रेट काफ़ी हाई होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, आप खुद ही नहीं जाते होंगे। तो यदि आपके पास कम से कम 5 रूम हैं, तो आप भी एक अफोर्डेबल रेट रखकर अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होटल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका बिजनेस बहुत ही एक्सपेंड करने वाला है, तो आप आज ही स्टार्ट करिए। यदि कोई और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट बिजनेस आइडिया सीरीज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।